गुजराती खांडवी, पातूड़ी या फिर रोल खम्मी। ये एक फेमस गुजराती फरसान है जो बेसन में से बनता है। ये प्रोटीन रिच रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं खांडवी बनाना। एक बाउल में एक कप छाछ लीजिए। छाछ में आधा कप बेसन डालिए और इसे अच्छी तरह से विस्कर की मदद से या मधानी की मदद से मिक्स कीजिए। ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठें नहीं होनी चाहिए, ये मिश्रण एकदम स्मूथ होना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक डालिए, 1/8 छोटी चम्मच या 1 या 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए, 1/2 छोटी चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट डालिए, 1/2 से मिक्स कर लीजिए। अब तैयार बेसन के मिश्रण को एक नॉनस्टिक पैन में ले लीजिए और फिर आंच को धीमी से मध्यम रखकर शुरू कर दीजिए। अब इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए आंच को धीमी से मध्यम के बीच रखकर इसे गाढ़ा होने तक पकाइए। इसे लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे पकने में। थोड़ी देर में ये मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा, तो ध्यान रखिए कि आप इसे लगातार चला रहे हैं और इसमें कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। ये मिश्रण एकदम स्मूथ होना चाहिए। जब ये मिश्रण पैन की साइड्स छोड़ने लगे तो इसे चेक कर लीजिए कि ये अच्छे से रोल हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा मिश्रण चक्कू पे लीजिए और इसे प्लेट के पीछे थोड़ा सा फैला लीजिए। 10 सेकेंड रुकिए और फिर चेक कीजिए ये रोल होती है कि नहीं। अगर ये रोल होती है तो ये पक गई है। गैस बंद कर दीजिए और आगे का प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। अब प्लेटफॉर्म को या फिर किसी थाली के पीछे या फिर चकले के ऊपर उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए जिसपे हम मिश्रण को फैलाएंगे। अब ग्रीस किए हुए प्लेटफॉर्म पे गरम मिश्रण को ले लीजिए और इसे जल्दी जल्दी एक स्पैटुला की मदद से फैला लीजिए। आप जितना इसे पतला फैला सकते हैं उतना पतला कीजिए। इसे फैलाने का जो स्टेप है वो जल्दी जल्दी करना है, वरना ये मिश्रण ठंडा होने पर सख्त हो जाएगा और ये फैलेगा नहीं। अब चाकू की मदद से पहले इसके बीच में एक लाइन कर दीजिए और फिर पीसेस करने के लिए लंबी लंबी लाइन खींच दीजिए। जब ये 3 से 4 मिनट के बाद ठंडी हो जाए तो चाकू की मदद से पहले इसे थोड़ा सा उठा लीजिए और फिर अपनी उंगलियों से इसके रोल बनाते जाइए। खांडवी को रोल करते हुए इसे डायरेक्टली प्लेट में ले लीजिए। सभी खांडवी को इसी तरह से रोल कर लीजिए। हम वघार या तड़का तैयार करेंगे, उसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल लीजिए। तेल गरम हो जाए तो 1/2 छोटी चम्मच राई डालिए और उसे फूटने दीजिए। राई जब पक जाए तो आंच बंद कर दीजिए और इसमें 1/2 छोटी चम्मच तिल डालिए।
वगार डालने से पहले खांडवी के ऊपर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालिए, लगभग एक बड़ा चम्मच। थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट कसकर डालिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लगभग एक बड़ा चम्मच। अब तैयार वगार खांडवी के ऊपर फैलाकर डाल लीजिए। थोड़े से कसे हुए फ्रेश कोकोनट से और गार्निश कीजिए और खांडवी को सर्व कीजिए सेव के साथ और चटनी के साथ। स्वादिष्ट गुजराती खांडवी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।